everyone, welcome to our channel Urban Vidya, the one-stop solution for all your studies related problems, guys. Well, आज हम क्लास 11th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मगर कौन सा चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं. अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो टॉपिक है ये इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये आपको काम आएगा आपके JEE, नीट, बोर्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे एग्जाम्स जो भी इंजीनियरिंग रिलेटेड हैं, जो साइंस रिलेटेड हैं, उन सब में आपको ये देखने को मिलने वाला है. और साथ ही साथ ये पर्टिकुलर टॉपिक इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि आप जब इसे सीख जाओगे आपको ये पसंद आएगा और आप इसको अप्लाई करोगे आने वाले हर फिजिक्स के लेक्चर में, जब भी किसी एक्सप्रेशन को देखोगे. सो क्यों ना इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं. सो लेट्स बिगिन. सो डायमेंशनल फॉर्मूले पे पहुंचने के लिए सबसे पहले यूनिट्स क्या होते हैं इसे समझ लेते हैं. सो यूनिट्स क्या होते हैं डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट आ गई है. यूनिट्स पे वैसे तो बहुत लंबा एक डिस्कशन, थ्योरेटिकल डिस्कशन होने का बनता है, जहां पर यूनिट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स और उनके डेफिनेशन, स्टैंडर्ड्स वगैरह पे बात की जानी चाहिए, मगर वो है थ्योरेटिकल टॉपिक एंड अभी इस वीडियो में मेरा इंटरेस्ट वो नहीं है. तो यूनिट्स मैं शॉर्ट में डिफाइन करूंगा, मगर कंप्लीट डिफाइन करूंगा जितना आपको डायमेंशनल फॉर्मूले को पढ़ने के लिए चाहिए. सो यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड. समझाता हूं, पहले लिखने दीजिए फिर समझाता हूं. सो यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड. ओके, वेल मैं आपको इसको बहुत आसान तरीके से समझाता हूं. आप कभी कभी मार्केट में जब कुछ परचेस करने जल्दी में निकलते हो तो जो आपका मेजरमेंट का तरीका होता है ना, वो बहुत अजीब अजीब सा होता है. देखो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं. बचपन में मेरे पापा अगर मेरे लिए जीन्स लेने जाते थे, ठीक है, तो बचपन में जब मेरे लिए वो जीन्स लेने जाते थे, घर में इंची टेप होकर नाप के नहीं लेके जाते थे वो मेरे लिए. वो सिर्फ एक काम करते थे, वो ना मेरी पुरानी जीन्स की लंबाई ये मेरी जीन्स, खैर अभी ये वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वेल नीड नॉट टू कंसर्न, मैं बचपने की बात कर रहा हूं. अभी यहां पर जब मेरे फादर को मेरे लिए जीन्स खरीदनी होती थी ना, तो वो कुछ ऐसे मेजर करते थे बचपन में, ये एक और ये दो. दुकानदार से जाके उन्होंने बोला, दो बालिश बराबर मेरे लिए जीन्स दिखा दीजिए. अब दो बालिश जीन्स का मतलब क्या हुआ? अब दो बालिश जीन्स का मतलब यह हुआ कि अंदाजा उन्होंने दे दिया, दुकानदार ने कोई जीन्स निकाली और उसके बाद पापा ने अपना हिट एंड ट्रायल यूज किया. मतलब ये जो एक बालिश जिसे वो बोल रहे हैं वो बना उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट. इसे एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी उन्होंने बोल दिया और इस स्टैंडर्ड के नंबर ऑफ टाइम्स उन्होंने जीन्स को एक्सप्रेस कर लिया. जीन्स पहनने वाली, बायोलॉजी में मत जाना. सो अल्टीमेटली यूनिट्स हम लोग यहां पर समझ चुके हैं कि यूनिट्स वो स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके टर्म्स में हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है. सो अगर एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है, एक्स इज सम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, विच नीड्स टू बी मेजर्ड, मतलब जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं. सो एन यू क्या है जरा ये देखिए, नंबर ऑफ टाइम्स. अगर अच्छी लैंग्वेज में बोलें, अच्छी मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में, फिजिक्स वाली लैंग्वेज में, मैग्नीट्यूड है यह. नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि मैग्नीट्यूड
और ये क्या है, ये यूनिट। सो अब मैं तुम्हें यहां समझाता हूं कि कैसे x इक्वल्स टू एन यू अप्लाई होता है। x कौन था? सो देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, मैंने लिखा है साइज ऑफ शोभित सर जीन्स व्हेन ही वाज 3 इयर्स ओल्ड। तो ये क्या है, ये है x इज इक्वल्स टू n, क्या लिखने वाला हूं, n लिखूंगा मैं 2। क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स था किसके, इसे बोलते हैं 2 अंगुल, बालिश। भाई कंप्लीटली रॉ लैंग्वेज में बता रहा हूं तुम लोगों को, ये मतलब ऐसा मेजरमेंट होता था, आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो। ये दो बालिश। तो शोभित सर की जीन्स इक्वल टू 2 टाइम्स 1 अंगुल और 1 बालिश। तो ये यहां पर x इज इक्वल टू एन यू, समझ में आ रहा है? x यहां पर क्या हुआ, जीन्स का साइज, 2 यहां पर क्या हुआ, n, एंड u यहां पर क्या हुआ, दैट अंगुल या फिर बालिश। ठीक है, अभी मैं अगर इस जीन्स को फिर से मेजर करूंगा। अब इसको मैं मेजर कर रहा हूं मेरे हाथ से, कैन यू सी माई हैंड राइट फ्रॉम हेयर टू हेयर, इसे मैं 1 आर्म बोल रहा हूं। तो ये आप देख रहे हो, ये जो जीन्स आप देख रहे हो, ये जीन्स अब मेरे 1 आर्म के बराबर है। तो यहां क्या हुआ, यहां हुआ ये कि साइज ऑफ जीन्स इज 1 टाइम्स शोभित सर आर्म। तो यहां यूनिट क्या बन गया, यहां आर्म बन गया। तो अब ये कहलाता है यूनिट, और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर मेजर करना है तो यूनिट की क्या जरूरत है वो आप समझ चुके हो। लेकिन ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि अब दिक्कत कहां आई ये समझो। दिक्कत यहां आई कि जब आपके घर पे मम्मी ने लगाया फोन पापा को और बोला 3 बालिश की पैंट ले आई है, या 1 आर्म की पैंट ले आई है बच्चे के लिए, तो क्या दिक्कत आएगी। मम्मी का बालिश, मम्मी का अंगुल छोटा, ठीक है, और पापा का ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट साइज। अब हर इंसान का ये मेजरमेंट अलग होता है, मम्मी का अलग होगा, आपकी सिस्टर का अलग होगा, आपके ब्रदर का अलग होगा, आपके फादर का अलग होगा। तो भाई अब किसी ने किसी को फोन पे कम्युनिकेट किया और वो अपने हिसाब से लेके आ गया, अपने हाथ वाले अंगुल के हिसाब से लेके आ गया अगर बच्चे की पैंट, तो या तो वो बड़ी होगी या वो छोटी होगी, एंड बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो एकदम प्रॉपर साइज की होगी। तो फिर हमको यहाँ पर ज़रूरत होती है स्टैंडर्ड यूनिट की। तो स्टैंडर्ड यूनिट फिजिक्स में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यूनिट्स बेसिकली बहुत सारे तरीके की, यहाँ पर आप लोग सिस्टम को पढ़ते हो, है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारे सिस्टम्स हैं। कुछ कॉमन सिस्टम्स में बता देता हूँ, MKS होता है, CGS होता है, FPS होता है, तो मीटर और किलोग्राम एंड सेकंड्स हो गया ये, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड्स हो गया ये, फुट पाउंड और सेकंड हो गया। सो एक बहुत कॉमन से कुछ सिस्टम्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ होते हैं, और इन सब के ग्रैंडफादर, मतलब कि सबको एक धागे में जोड़ने वाले एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम लोग वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं। वेल, इस पे बहुत डिटेल में बात करनी चाहिए, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है एंड इट्स नॉट ऑफ सो मच एम्फेसिस राइट नाउ इन माय डायमेंशनल फॉर्मूला वाला वीडियो। तो मैं अभी इसको यहाँ पे थोड़ा सा दूर करता हूँ, इसको मैं अवॉइड करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। सो आगे आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर एक चीज और आपको बतानी चाहिए कि x इक्वल्स टू एन यू है। सो एक्स इक्वल्स टू n1 u1 = n2 u2, ये आप कंक्लूड कर सकते हो। x = n1 u1 = n2 u2, यहां पर मैग्नीट्यूड अलग होगा, यूनिट कोई अलग सिस्टम का है, यहां n2 अलग मैग्नीट्यूड है, u2 एक अलग सिस्टम का यूनिट है। सो n1 u1 = n2 u2 = x, ये कैसे मैंने यहां पर
कंक्लूड किया, ये यहां से और यहां से कंक्लूड किया. बेसिकली एक्स क्या था, यहां पे साइज ऑफ द जीन्स, लेकिन यहां आप देख रहे हो वन और टू चेंज हो गया, और यहां पर भी देख रहे हो शोभित सर का आर्म है और यहां पर क्या है, शोभित सर का एक अंगुल या एक बालिश है. सो अल्टीमेटली ये यू वन यू टू हो गए, ये एन वन और एन टू हो गए, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो कॉम्बो है, वो तो रिप्रेजेंट किसी एक ही चीज को कर रहा है, दैट इज व्हाट दिस जीन्स. सो अल्टीमेटली एक्स इक्वल्स टू एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू, एक कॉन्स्टेंट यहां पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया ये एक कॉन्स्टेंट है. तो अब अगर एक्स इक्वल्स टू एन यू एक कॉन्स्टेंट है, तो इससे एक बात और क्लियर हो जाती है, एन यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, सो एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन यू. इधर पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दें तो हमने यहां पर क्या देखा, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट, मतलब जितनी छोटी यूनिट होगी उसमें मैग्नीट्यूड पर्टिकुलर क्वांटिटी का बहुत बड़ा होगा, और जब यहां पर यूनिट बड़ी होगी तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा. ये आप देखते भी तो हो, मैं आपको समझाता हूं. अगर मैंने बोला शुगर इस बॉक्स में कितनी है, एक ने बोला 5 kg, दूसरे ने बोला सर 5000 ग्राम. अब हम सब जानते हैं कि केजी एक बड़ा यूनिट है, ग्राम एक स्मॉल यूनिट है कंपैरेटिवली रिलेटिवली, लेकिन स्मॉल यूनिट के बगल में मैग्नीट्यूड कितना है 5000, और बिगर यूनिट के बगल में मैग्नीट्यूड कितना है 5. तो यहां अल्टीमेटली कंपैरिजन करने पर साफ साफ समझ में आ रही है मेरी बात कि यूनिट और मैग्नीट्यूड एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर यूनिट बड़ा है तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा, और अगर यूनिट छोटा है तो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा. सो दीज वर दी कंक्लूजन्स विच यू नीड टू गेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला एक्स इक्वल्स टू एन यू एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स. आई होप आपको क्लियर होगी. अब बढ़ते हैं आगे और हम देखेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट. सो एज वी ऑल नो, अब हम लोगों को यहां क्लासिफिकेशन करना है. तो क्लासिफिकेशन मैं यहां पर करूंगा, एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, या इन्हीं के लिए यूनिट्स भी हो जाते हैं, तो फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स हो गए, और दूसरे डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. या इनकी यूनिट्स. सो आप नाम से समझिए, जो नेचर में सत्य है, सच है, यानी कि पहले से एग्जिस्टेड हम मान के चल रहे हैं, इनका कंपैरिजन किसी और से नहीं अपितु इनसे दूसरों का कंपैरिजन होता है. उन क्वांटिटीज को मैं बोलता हूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. व्हाट आई मीन टू से, तो क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा यहां पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर यूनिट्स, दीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच आर अडॉप्टेड इन फिजिक्स टू एक्सप्रेस अदर फिजिकल क्वांटिटीज विथ देयर रेफरेंसेस. मतलब ये अडॉप्ट की हैं हमने फिजिक्स में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके रिस्पेक्ट में दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस की जाती हैं. इन सिंपल लैंग्वेज दे कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, इनको फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो अभी आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी समझ में तो आ गई होंगी, लेकिन फिर भी आपको अभी इनके कुछ एग्जाम्पल्स रिक्वायर्ड होंगे. सो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया. अभी और भी बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे जब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं. बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है. फिर अच्छे से देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एसआई यूनिट सिस्टम में कौन कौन सी हम लोगों को देखनी है. सो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज है, अब आप समझ चुके होंगे. ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच आर डेराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. ये आपको एक एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आएगा. मैं अगर आपसे बोलता हूं फोर्स, सो फोर्स का फॉर्मूला बच्चा जानता है, मास इनटू एक्सेलरेशन.
फर्दर आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी जानते हो, ये क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। फर्दर आप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी जानते हो, दैट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम यहां पर दो बार हो गया। सो जो फोर्स है वो मास, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और टाइम, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिराइव्ड है, इसीलिए ये फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगा। तो आप समझ रहे हो ना, मैंने आपको क्या बताया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जिनके रेफरेंस में दूसरी क्वांटिटीज को डिराइव किया जाता है, और डिराइव क्वांटिटीज वही क्वांटिटीज हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से एग्जिस्टेंस में आती है। तो अपन लोगों ने यहाँ फोर्स एक एग्जाम्पल लिया था, बचपन में क्लास नाइन्थ में पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला, फिर एक्सेलरेशन होता चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी भी चेंज इन वेलोसिटी मतलब अल्टीमेटली देगी तो कोई वेलोसिटी की वैल्यू हुई, वेलोसिटी होता डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मास अपनी जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक नीचे टाइम ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम इनटू टाइम। ये अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि ये हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है वो इन सब पर डिपेंड हुई, हुई कि नहीं, समझ आई कि नहीं बात। तो अभी आप क्लियर हो चुके होंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर, और ये आपके डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज पर। सो बात करनी चाहिए एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। क्यों एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो हम लोगों के लिए मोस्ट सूटेबल यही फॉर्म है, सो दैट हम इंटरनेशनली अपनी रिसर्च जो करेंगे फिजिक्स की फील्ड में वो सभी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, वहां हमें कोई कन्वर्जन ना करना पड़े, इसीलिए थ्रू आउट द वर्ल्ड इसका एक्सेप्टेंस है। तो उसी एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम ने कौन कौन सी क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज का दर्जा दिया है वो मैं आपको बताता हूं। सो कुल मिला के एसआई यूनिट ने 7 फंडामेंटल यूनिट्स को एक्सेप्टेंस दिया है, और साथ ही साथ 2 सेकेंडरी यूनिट्स भी डाली हैं। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले सो हेयर एज यू कैन सी 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी हैं, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, देन कम्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मैटर। जहां मास के लिए ऐसा यूनिट है केजी, लेंथ के लिए है मीटर, देन टाइम के लिए है सेकंड्स, देन करंट के लिए आता है एम्पियर, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, टेम्परेचर के लिए केल्विन, एंड अमाउंट ऑफ मैटर के लिए मोल। इन सब के जो एब्रिविएशंस हैं वो आपके सामने यहाँ पर हैं। बिसाइड दीज हमारे पास यहाँ 2 सेकेंडरी यूनिट्स भी हैं, दैट इज व्हाट, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए हम लोगों को यहाँ पर रेडियन यहाँ पर मेजरमेंट सिस्टम है, और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। तो ऐसा है कि यार इन सब को ना बहुत अच्छे से डिफाइन भी किया गया है ना, और वो डेफिनेशंस आपको याद भी करनी है। वेल, वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो एज इट इज़ आपको याद करनी है और पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। सो मैं अभी यहाँ ये फंडामेंटल यूनिट से आपको इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, खास करके अब जब अपन आगे बढ़ेंगे तो ये 3 बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूला, उस डायमेंशनल फॉर्मूले को पढ़ने के लिए इन 3 पर ही बहुत ज्यादा आपको जोर देना है। बाकी 4 भी काम की यूनिट्स हैं पूरे फिजिक्स में, मगर अभी पर्टिकुलर टॉपिक जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है उसमें आप इनसे बच सकते हो। चलो तो चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूले पर। सो गाइस, डायमेंशनल फॉर्मूले की तरफ कदम बढ़ाते हुए सबसे पहले देखते हैं डायमेंशंस क्या होते हैं। इसके लिए जिस तरीके से अभी फोर्स को अपन ने एनालिसिस किया था, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल हम गए थे, अभी उसी तरीके से उससे छोटी हम एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। शुरुआत करते हैं वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था क्लास 9th में आप सब बच्चों ने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ा था। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपने फॉर्मूला पढ़ा था, और डिस्प्लेसमेंट को मैं यहां पर अगर बोलूं तो इट्स अ काइंड ऑफ लेंथ, काइंड ऑफ लेंथ, ठीक है ना। अब टाइम जो है, खैर वो तो टाइम ही रहेगा, इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन इट सेल्फ, है ना, और टाइम को टाइम के नाम से ही जानते हैं। लेंथ के तो कई सारे नाम हो जाते हैं, जैसे लेंथ
हाइट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लेंथ, किसी चीज की थिकनेस इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेंथ, ठीक है. तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लेंथ. तो लेंथ के कई सारे नाम है, लेकिन टाइम तो टाइम लेते हैं. तो अल्टीमेटली आपने यहां पर क्या देखा कि ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला हमने फिजिक्स में पढ़ा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन डायमेंशनली अगर मैं बात करूं तो इट इज लेंथ अपॉन टाइम, इट्स अ सम सॉर्ट ऑफ लेंथ अपॉन टाइम. तो फंडामेंटल यहां पर क्वांटिटी कौन सी आई, लेंथ. तो ये लेंथ बनी इसकी डायमेंशन. तो डायमेंशंस क्या हुए वेलोसिटी के, लेंथ एंड टाइम. अब मैं यहां पर जो आगे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करूंगा, सो मैं उनको लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल एंड टाइम के लिए कैपिटल टी. तो ये डायमेंशंस बन गए. अब इन डायमेंशंस को मतलब इन्हीं फॉर्म में एम एल टी के फॉर्म में लिख कर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला. देखिए एल अपॉन टी, सो अल्टीमेटली वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कोई मुझसे बोलेगा एल टी माइनस वन. एल टी माइनस वन ये बना डायमेंशनल फॉर्मूला. तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप सबको समझ में आई गेस आ गया होगा. अब डायमेंशनल फॉर्मूले जो हैं, आपको एक एग्जांपल्स मुझे लगता है थोड़ी उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी. अब बात कर लेते हैं कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले की. आइए एक्सेलरेशन पे आपको लेके चलते हैं, एक्सेलरेशन पे लेके चलते हैं. एक्सेलरेशन पे अगर आप गए, मतलब ये पूरी फैमिली को लेके चलते हैं जो आपने नाइन्थ की फिजिक्स पढ़ी थी, अभी उसी पर आपको आगे बढ़ाते हैं. सबसे पहले एक्सेलरेशन पे आ जाओ. एक्सेलरेशन क्या होता है, इट्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है. अभी वेलोसिटी को आप यहां पर क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एक टाइम ऑलरेडी यहां पर चल ही रहा था, सो डिस्प्लेसमेंट इज सम काइंड ऑफ लेंथ, टाइम नीचे भी टाइम, एल अपॉन टी स्क्वायर. बहुत आराम से आप इस बात को आप एक्सेप्ट कर लो कि एल टी माइनस टू इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. और अब इसी तरीके से हम उस पे चलते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले यहां पे था, चलो उसे यहीं पर लिखते हैं. फोर्स की बात कर रहा हूं. फोर्स क्या है, फोर्स था मास इनटू एक्सेलरेशन. एक और अच्छी बात समझो, अगर तुम पहले से ही किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हो तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो. एक्सेलरेशन का तुम जानते हो एल टी माइनस टू है, मास का तो एम हो जाएगा और ये एल टी माइनस टू हो जाएगा. सो अल्टीमेटली डायरेक्टली फोर्स का फॉर्मूला हो गया एम एल टी माइनस टू. इसी चेन को और आगे बढ़ाते हैं. वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है उस पर बात करते हैं. सो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस टू. डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज एल. सो अल्टीमेटली एम एल टू टी माइनस टू ये बन जाता है वर्क का फॉर्मूला. सो गाइस यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूले की मैंने लगा दी है बाढ़, इसलिए लगाई कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए. आई होप ये डायमेंशनल फॉर्मूले आप समझ चुके होंगे. अब डायमेंशनल फॉर्मूले क्यों पढ़ते हैं उस पे आते हैं और एक एक एग्जांपल इलस्ट्रेट भी करते हैं.